guys, welcome back to my channel. I hope you are doing extremely well. अब रात के बज गए हैं 11:30. आप सोच रहे होंगे कि अभी रात को क्यों ब्लॉग स्टार्ट किया. रात को ब्लॉग स्टार्ट करने का रीजन मैं अभी आपको थोड़ी ही देर में बता रहा हूँ. देखो तो सही कौन आया. अरे मैगी ब्रेड एक नंबर. नमस्कार मित्रों, नमस्कार. तो इससे तो आपको आइडिया आ गया होगा कि आज क्या प्रोग्राम होने वाला है. तो लास्ट टाइम तो नाइट आउट हो गई थी फिर बिकॉज मुझे आ गई थी नींद. तो आज सोचा आज भी है सैटरडे और मचाएंगे आज नाइट आउट करके. फिर सब बंदोबस्त किया, सब लेके आया भाविक सोनी. बोले वापस नमस्कार. तो चलो आज मज़ा आने वाली है. लास्ट व्लॉग में बहुत ज्ञान की बातें हो गई, अभी ये व्लॉग थोड़ा चिल व्लॉग होगा. तो एन्जॉय द व्लॉग टिल द एंड. अभी रात के बज गए हैं 1:15 और क्या जोरों से बारिश आ रही है. मस्त बारिश आ रही है और भाभी तो उसकी मासी के साथ अभी कॉल किए पे बात कर रहे हैं. बस अभी देख रहे बैठे ही है, सोच रहे क्या करना है. भाभी के घर पे से ये लेके आए कॉफ़ी नए जैम. सुबह के बज गए हैं 2:30 और बातें कर रहे थे और ये भाई साहब मेरे को अचानक से बोल रहे अभी मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है. यस. क्यों है अचानक मन हो गया मेरे को ब्लॉगिंग करने का. अभी इसको ब्लॉगिंग भी करनी है, इसको गेमिंग भी करनी है और साथ में कुकिंग भी कर. कुकिंग तो खरीद है. तीन तीन चैनल का ओनर बनने जा रहे हैं. एक का तो है, अभी दो बाकी है. बस उसका अभी नाम डिस्कस कर रहे कि क्या चैनल का नाम रखे, क्या ना रखे, क्या कंटेंट बने, क्या ना बने. कर लेते थोड़ा डिस्कस, बातें कर लेते. वह क्या बज गए हैं 4 जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. और अभी हम लोग का हो गया है खाना खाने का टाइम. भूख लगी है बहुत. तो भाविक बनाएगा मैगी और थोड़ी कॉफी. मैगी तो बन के हो गई है रेडी. पानी गए तो खा ही लेते. हेलो गाइस, मेरे चीज जैम सैंडविच रेडी हो गई है तो अभी खा लेते. अभी मैं हल्का खा के सब हो गया है. कॉफी नहीं बनाई थी बिकॉज पेट फुल हो गया. और बर्तन भी एकदम क्लीन कर दिए, वो भी दिखा देता हूँ. ये खाते हम लोग हैं फिर मम्मी सुबह सुबह ये काम पहले करती है तो अच्छा नहीं लगता है. तो सब क्लीन करके रख दिया. सिर्फ इतना ही था मेरा. अभी तो सोचा है कि BGMI खेलते हैं, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया. बिकॉज उसमें नए नए अपडेट्स आए तो देखते हैं, अभी डाउनलोड करके खेलते हैं. गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज गए हैं 11 और अब जाके मैं उठा हूँ. मैं 6 बजे सोने गया था. भाभी अपने घर पे 6 बजे चला गया था और उसके बाद मैं भी 6 बजे सो गया था. और अब जाके उठा हूँ, अभी फ्रेश व्रेश होता हूँ थोड़ा बहुत. उसके बाद भाभी को हेयर कट करवाना है तो देखते हैं अभी वो उठाए कि नहीं. अगर उठा रहेगा तो चलते, या फिर घर पर आराम से नहा धो के पढ़ने बैठता हूँ मैं. हाँ के फ्रेश हो गया हूँ. बस अभी भाविक के साथ जाना है हेयर कट करवाने के लिए. अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हेयर कट करवाने के लिए सजदेश के क्यों जा रहे हैं. अभी सजदेश ने का रीज़न ये है कि दोपहर को मुझे जाना है मेरी बहन के साथ थोड़े बहुत काम के लिए. उसके बाद शाम को मेरे स्कूल के फ्रेंड्स मिल रहे हैं तो सोचा घड़ी घड़ी कौन चेंज करे. उससे अच्छा अभी चेंज कर देता हूँ, टेंशन ही ख़त्म. फिर से क्या बाल सेट करने का रहता है और फिर निकल लो. तो छोड़ जाते. अभी ये देखो बाल देखो, इस कृपे से बोल के थक गए. बाल कटवा साला सुनता ही नहीं है. क्यों रे, फाइनली कटवा रहा है बाल. अभी आए तो थे इसके बाल कटवाने लेकिन बंद है सलून. चलो वापस. और क्या, बड़ी मुश्किल से इसका मन हुआ था बाल कटवाने का लेकिन शॉप ही बंद हो गई है. तो अभी घर पे आ गया हूँ. उसके हेयर कट करवाने गए थे लेकिन आज सब
बंद था, पता नहीं आज सब शॉप बंद क्यों हुए, संडे लास्ट संडे तो सब कुछ खुला था लेकिन आज ये संडे सब कुछ बंद है, पता नहीं क्यों। चलो वो सब तो ठीक है, अभी मम्मी बोल रही है कि टी शर्ट चेंज कर दे, जब बाहर जाना है तब पहन लेना, तो चलो चेंज कर लेते। तो टी शर्ट चेंज कर ले, अभी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है तो पहले कुछ खाता हूँ, उसके बाद पढ़ना भी है। खाना भी खा लिया है, अभी पढ़ लेता हूँ। अभी ना 2:30 हो गए तो 1.5-2 घंटा पढ़ लेता हूँ। मेरा पढ़ाई करके भी हो गया है, मेरी बहन आ रही है तो उसके साथ जाना है बोरीवली बुक्स लेने के लिए, फिर स्कूल के फ्रेंड्स को भी मिलने जाना है 6 बजे। बहुत नींद आ रही है, अभी घर पे आ गया, थक गया भाई, अभी चाय चुभे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज गए हैं 10 और अभी कॉलेज का फर्स्ट लेक्चर ख़त्म हुआ, अभी दूसरा लेक्चर है 10:15 को। और कल तो मुझे कुछ शूट करने को मिला ही नहीं बिकॉज टाइम नहीं मिला। मेरे स्कूल के फ्रेंड्स को मिलने के लिए गया था तब बारिश बहुत थी, और जब मिले थे तब 2-3 घंटे कहाँ पे निकल गए पता ही नहीं चला, इतनी सारी बातें की। अनदर टाइम भी बहुत बारिश थी इसलिए शूट नहीं किया, पूरा वापस गीला हो गया था। फिर रात को पिनाकी अंकल, जयशंकर और सब लोग आए थे तो तब बैठे थे, चिल टाइम था तो इसलिए उधर कैमरा फ़ोन ने उठाया था। बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी कॉलेज के लेक्चर्स ख़त्म हो गए, अभी जिम पहुँचे, बारिश स्लो स्लो आ रही थी इसलिए सोचा भाई जिम जाके आते, उसको मिस नहीं करने गए। चलो अभी जिम करने के बाद ही मिलता हूँ। वर्कआउट करके हो गया और अभी जा रहे हैं घर पे। ये बारिश यार कभी रुकेगी, कल रात से बहुत आ रही है, कल रात तो पूरा भीग गया था मैं घर पे आते आते। इसको सैलून भी जाना था बाल कटवाने, लेकिन अभी इतनी बारिश है तो सोच रहे नहीं जाए। यहाँ पे देखो जेविन की स्कूल चल रही है, मस्त आराम से बैठा है, बहन गई है बाहर तो इसलिए आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और इसके साथ बैठना पड़ता है वरना वो अगर अकेला रहता है तो ऐसे ही टाइम पास कर दे, खेलता रहता है और स्कूल में ध्यान नहीं देता है। कैसे बैठा है देखो, एक तकिया यहाँ पे, वो एक तकिया वहाँ पे, नीचे चद्दर, मस्त एकदम कंफर्ट लेवल पे बैठा है। बारिश तो अभी भी रुकने का नाम ले ही नहीं रही है, कंटिन्यूस आ रही है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, बारिश की वजह से यहाँ पे ग्रीनरी मस्त दिखते हैं, मज़ा आता है ये देखने में। यहाँ पे मुझे मन हो रहा है कि एक्टिवा निकल के चले जाओ आर एफ कॉलोनी पवई ववई साइड, क्या मज़ा आएगा वहाँ पे, लेकिन नहीं जा सकते, पढ़ना है। जेविन की तो 10 मिनट की ब्रेक है अभी स्कूल में, तो अभी बैठूंगा पढ़ने के लिए। तो चलो गाइस व्लॉग को इतना रखते हैं, अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया तो लाइक किए बिना मत जाना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।